महफिल में आईने पर एक शेर कहा था, उसके बाद जनाब अब्दुल्ला राज साहब आए, उन्होंने भी आईना मौजू पर एक शेर कहा। दोस्तों आईने पर तरह तरह, आईना लफ्ज को तरह तरह से शायरों ने बरता है। मजाहिया शायर के पास आईना पहुंचता है तो वो ये कहता है कि आईने के सामने घंटों की तैयारी के बाद तुम हंसी लगती हो बेगम कितनी दुश्वारी के बाद। हाजरीन गिरामी, मैं एक मरतबा इसी तरह की एक महफिल में गुफ्तगू कर रहा था, मैं बोल रहा था, सामने वाला सामने और जो महफिल थी, जो मजमा था, उसमें एक लड़की भी थी जो दिल की धड़कनों से मुझे सुन रही थी। महफिल चल रही थी, मैं बोल रहा था, वो सुन रही थी। प्रोग्राम खत्म हुआ, खत्म होने तक के बाद भी मैं बोल रहा था, वो सुन रही थी। हमारी मुलाकात हुई, उस वक्त भी मैं बोल रहा था, वो सुन रही थी। मुलाकात शादी प्यार में तब्दील हो गई, उस वक्त भी मैं बोल रहा था, वो सुन रही थी। प्यार शादी में बदल गया। एक और तब्दीली वाकई हुई कि हम दोनों खामोश थे, सिर्फ काजी साहब बोल रहे थे। आज इस हादसे को पूरे 10 बरस गुजर गए हैं, हम दोनों बोलते हैं और मोहल्ले वाले सुनते हैं। तो आप भी माशाल्लाह बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं, इसी तरह सुनिए। दोस्तों मैंने ये तमहीद और ये थोड़ा सा एक लतीफा, ये चुटकुला इसलिए सुना दिया कि मैं एक मजाहिया शायर से, एक मजाहिया फनकार से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूं। जनाबे अनवर हुसैन माही, एक मजाहिया शायर, मेरी फहरिस्त का हिस्सा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए और इस महफिल में अपना कलाम पेश करें। जनाबे अनवर हुसैन माही, सनावत की इस महफिल की रूहें रवा हैं जनाब आफताब साहब और जानू भाई। थोड़ा ऊंचा कर दो दोस्तों, मेरी हाई जी। दाने चुनते हुए कूचे से भटक जाएगी, दाने चुनते हुए कूचे से भटक जाएगी और चुपके से किसी रोज खटक जाएगी। क्या खबर थी कि महल्ले की वो देसी मुर्गी पोल्ट्री फार्म के मुर्गे से अटक जाएगी। दाने चुनते हुए कूचे से भटक जाएगी और चुपके से किसी रोज खटक जाएगी। क्या खबर थी कि महल्ले की वो देसी मुर्गी पोल्ट्री फार्म के मुर्गे से अटक जाएगी। और चार में से क्या कहने, क्या कहने, क्या आता है गुस्सा जब उन्हें तूफान की तरह, आता है गुस्सा जब उन्हें तूफान की तरह, लगता है मुझको घर मेरा जापान की तरह। आता है गुस्सा जब उन्हें तूफान की तरह, लगता है मुझको घर मेरा जापान की तरह। और लगने लगी है जब से वो सोनाक्षी मुझे, मैं भी दबंग हो गया सलमान की तरह। वाह वाह वाह, लगने लगी है जब से वो सोनाक्षी मुझे, मैं भी दबंग हो गया सलमान की तरह। और चार में से मुलायदा फरमाइए, कटीली तुमके कुत्ते से न काले पंथ डरता हूँ। कटीली तुमके कुत्ते से न काले पंथ डरता हूँ, न मुझ पर भोकने वाली किसी पलटन से डरता हूँ। मुसीबत है कि इसके काटने से पेट पर माही जो 14 पूरे लगते हैं उन इंजेक्शन से डरता हूँ। और चार में से मुलायदा फरमाई है कि वोट हमारा हथियाने को नेता ऐसे रोते हैं, वोट हमारा हथियाने को नेता ऐसे रोते हैं जैसे मगरमच्छ की आंखों में झूठे आंसू होते हैं। वोट हमारा हथियाने को नेता ऐसे रोते हैं जैसे मगरमच्छ की आंखों में झूठे आंसू होते हैं। कबले इलेक्शन बेदारी का भाषण देते हैं लेकिन बादे इलेक्शन सारे नेता घोड़े बेच के सोते हैं। कबले इलेक्शन बेदारी का भाषण देते हैं लेकिन और बादे इलेक्शन सारे नेता घोड़े बेच के सोते हैं। और फिर मुलायदा फरमाइए कि चार मिसरे, हर गली अभी इलेक्शन हुआ तो ये समझ लो कि वोटर से ज्यादा कार्यकर्ता हो गया। क्या वोटर से ज्यादा कार्यकर्ता, कि हर गली हर द्वार आएगा, हर गली हर द्वार आएगा नेता करके सिंगार आएगा। हर गली हर द्वार आएगा नेता करके सिंगार आएगा। और फैल जाएंगे वार्ड में मच्छर फिर से डेंगू बुखार आएगा। फैल जाएंगे वार्ड में मच्छर फिर से डेंगू बुखार आएगा। और एक गजल का मतलब कुछ शेर, उनके माथे की
शिकन जब बिछड़ी होती है उनके माथे की, शिकन जब बिछड़ी होती उनके माथे की, शिकन जब बिछड़ी होती है बस उसी रात मेरी खटिया खड़ी होती है, बस उसी रात मेरी खटिया खड़ी होती है। आप बहादुर हैं इसलिए एतराफ कर रहे हैं, वरना सबका ही मामला ये है। शुक्रिया। उनके माथे की शिकन जब भी चढ़ी होती है ओ मैंने दावत को जरूरी कभी समझाई नहीं, मैंने दावत को जरूरी कभी समझाई नहीं, बैठ जाता हूँ जहाँ देख चढ़ी होती है। वाह 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 वाह। बैठ जाता हूँ जहाँ, अरे क्या कहने, बैठ जाता हूँ जहाँ देख चढ़ी माही साहब वाह वाह होती है। मैंने दावत को फिर पढ़ दीजिए। मैंने दावत को जरूरी कभी समझाई नहीं, यह मुशायरा आपका है, आप इसके मुहाफिज। मैंने दावत को जरूरी कभी समझाई नहीं, बैठ जाता हूँ जहाँ देख चढ़ी होती है, बैठ जाता हूँ जहाँ देख चढ़ी होती है, बैठ जाता हूँ जहाँ देख चढ़ी होती है, उनके माथे की शिकन जब भी चढ़ी होती है, ओ गिफ्ट में जब कभी ससुराल से कपड़े आए, गिफ्ट में जब कभी ससुराल से कपड़े आए, शर्ट छोटा तो कभी पैंट बड़ी होती है, शर्ट छोटा तो कभी पैंट बड़ी होती है, उनके माथे की शिकन जब भी चढ़ी होती है, और नीची नजरों से मैं चलता हूँ इसी लालच में, नीची नजरों से मैं चलता हूँ इसी लालच में, काम की चीज भी रस्ते में पड़ी होती है, काम की चीज भी रस्ते में पड़ी होती है। और मक्ते का बन मुलाहिज़ा फरमाइए, वैसा मेरा मछली का धंधा है इसलिए मैंने तकल्लुद भी माही रखी है। अच्छा। कि नकद लेता है तो देता है वो ताजा माही, नकद लेता है तो देता है वो ताजा माही, और उधारी में सदा मछली सड़ी होती है, और उधारी में सदा मछली सड़ी होती है, उनके माथे की शिकन जब भी चढ़ी होती है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल झनकार डीए सनात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।